अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला 24 न्यूज में मैं निहार शेख आपका स्वागत करती हूँ। बिल्किस बानो केस को लेकर महमूद खान पठान के मार्गदर्शन में मुस्लिम युवकों ने ज्ञापन सौंपा है और बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए ऐसी मांग की है। स्थानीय युवा नेता महमूद खान पठान के मार्गदर्शन में मुस्लिम युवकों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश को निवेदन देकर इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। निवेदन में बताया गया है कि गुजरात 2002 दंगे के 11 दोषियों को जिन्होंने बिल्किस बानो को प्रताड़ित किया और उनकी 3 साल की बेटी की हत्या की थी, जिसके चलते उन्हें न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित माफी आदेश का लाभ उठाते हुए गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को रिहा कर दिया। लेकिन 11 दोषियों को निरस्त कर आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए या तुरंत मौत की सजा, ताकि समाज में और लोगों के बीच कानून को लेकर विश्वास बना रहे। इन सब बातों के खिलाफ महमूद खान पठान, आसिफ शाह उर्फ विक्की शेख, नईम बिल्डर के मार्गदर्शन में मुस्लिम समाज के युवकों द्वारा अकोला में धरना व ज्ञापन देकर गुजरात सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया तथा उक्त 11 दोषियों की माफी तत्काल निरस्त की जाए या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा दी जाना चाहिए, ताकि समाज और लोगों में कानून के प्रति विश्वास हो। निवेदन देते समय महमूद खान पठान, आसिफ शाह उर्फ विक्की भाई, शेख नईम बिल्डर, शौकत अली शौकत साहब, सैयद नासिर, सद्दाम इनामदार, उस्मान खत्री, ताबिज भाई, आदिल अली, सुफियान भाई, राजा चौहान, शाहरुख खान, फारूक शाह, अजहर खत्री, अमीन खान मौजूद थे। माननीय कलेक्टर साहब के मार्फत राष्ट्रपति साहब को एक निवेदन दिया, जिसमें हमने बताया कि 2002 के दंगे में बिल्किस बानो जो महिला थी, उनके घर के 7 लोगों का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद, वो 5 महीने की हामिला होने के बाद उन दरिंदों ने उनके साथ रेप किया था, और उस टाइम पे उन दरिंदों को छोड़ा गया जिस टाइम पे हम पंचत्व महोत्सव मना रहे थे। हमने राष्ट्रपति जी से हमारे निवेदन में ऐसी मांग की है कि उन दरिंदों को वापस से उनका केस रेफर किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी हमने हमारे निवेदन में मांग की है।